नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। 1 जुलाई 2018 की दिल्ली के बुराड़ी की घटना आपको याद होगी, जहां एक घर में 11 लोगों के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले थे। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। बुराड़ी इलाके में हुई इस घटना को लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि इस तरह का एक और नया मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहाँ एक घर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव मिले हैं। इनमें एक 9 महीने का बच्चा भी शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना बेंगलुरु के ब्यादर हल्ली इलाके की है। जानकारी के मुताबिक 4 वयस्कों के शव अलग अलग कमरों में फांसी के फंदे पर लटके मिले हैं, जबकि 9 महीने के बच्चे की लाश बिस्तर पर थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि परिवार के सदस्यों की आत्महत्या के बाद बच्चे की मौत भूख से हुई है। इस घटना ने दिल्ली के बुराड़ी की घटना को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि शुक्रवार को जब वे घर में दाखिल हुए तो उन्होंने घर के सदस्यों को फांसी पर लटके हुए पाया। आशंका जताई जा रही है कि परिवार के सदस्यों ने आत्महत्या की है। पुलिस को संदेह है कि मौतें 4 दिन पहले हुई होंगी। 5वें दिन रात में सभी लाशों को बाहर निकाला गया। शव बुरी तरह से सड़ चुके थे। मृतकों की पहचान 51 साल की भारती, उनकी दोनों बेटियां सिंचना और सिंदूरानी, एक बेटा मधुसागर और एक बच्चे के रूप में हुई है। घर में एक 2 साल की बच्ची प्रेक्षा भी मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार बच्ची को अस्पताल भेजा गया है। घटना के वक्त भारती का पति शंकर घर पर नहीं था। घटना का पता उस समय चला जब परिवार का मुखिया हालेगेरे शंकर 4 दिनों के बाद घर आया। उन्होंने परिवार के सदस्यों को बार बार कॉल किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद जब वो घर पहुंचे तो ताला लगा मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच घर का दरवाजा तोड़ अंदर प्रवेश किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक भारती शंकर की पत्नी है और अन्य 3 वयस्क उनके बच्चे हैं। 9 महीने का बच्चा और 2.5 साल की बच्ची भारती और शंकर के पोते पोती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।